नो डाउट कि कोविड-19 के दौरान दुनिया के अंदर बहुत तब्दीली पैदा हो चुकी है और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, और इन चेंजेस ने हमारी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर डाला है, खुसूसन फिनेंशियल सेक्टर पे। बहुत सारे लोग इन चेंजेस के साथ एडजस्ट करके ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और वहीं पर बहुत सारे लोग इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं और उनके अंदर एक इमोशनल, एक साइकोलॉजिकल और मेंटल जंग चल रही है। ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जितने स्टेमिना की ज़रूरत है वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, और यही वजह है कि वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, उनके लिए उलझन का सबब बना हुआ है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना होता है तो ये चीज़ डिस्कशन का टॉपिक बन ही जाती है। उससे अंदाज़ा लगता है कि लोग किस हद तक परेशान हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा कि ये चेंजेस हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी क्यों हैं, और ये कि कोविड-19 के दौरान होने वाले चेंजेस को हम ईज़िली एक्सेप्ट कैसे करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हर हफ्ते एक नए टॉपिक पर एक शानदार वीडियो मिलता रहेगा दोस्तों, जो लाइफ चेंजिंग होगा। याद रहे कि मेरा यह चैनल आपकी ज़िंदगी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज जैसे कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, लव एंड रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में पूरी मदद करेगा या आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव लेकर आएगा। अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लाने का ज़रिया बने। अब सबसे पहला सवाल ये है दोस्तों कि इन चेंजेस को एक्सेप्ट करने में हमें दिक्कत क्यों पेश आती है। तो इसका जवाब ये है कि इन चेंजेस को एक्सेप्ट करने में हमें दिक्कत इसलिए पेश आती है क्योंकि हम एक पैटर्न के आदि हो चुके हैं, और उस पैटर्न के अंदर ज़रा भी चेंजेस जब वाकई होती है तो हमें वो अनकंफर्टेबल बना देती है, बिकॉज वो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रही होती है। इसलिए हम परेशान हो जाते हैं और ज़हनी तौर पर और नफ्सियाती तौर पर उसकी मुदाफ़त में लग जाते हैं, उसको रेजिस्ट करने लगते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि दुनिया के अंदर हर चीज़ एक स्पेसिफिक पैटर्न पे चलती रहे और उसके अंदर कोई तब्दीली ना हो। दोस्तों, क्या ये हकीकत नहीं कि पूरा का पूरा आलम, ये पूरी की पूरी कायनात, ये एक मुसलसल तब्दीली का नाम है। अब आप नज़र डालिए कि एक इंसान पैदा होने से लेकर के मरते दम तक चेंजेस के कितने मराहिल से गुज़रता है। नासा ने साइंटिफिकली इस बात को साबित कर दिया है कि ये कायनात हर लम्हे अपने साइज से बड़ी हो जाती है, यानी हर लम्हे, हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड ये एक्सपेंड हो रही है, यानी कि अभी इस फ़िलहाल जो कायनात है वो अगले लम्हे नहीं, और जो पिछले लम्हे थी वो अभी नहीं, यानी एक मुसलसल तब्दीली। अब टिप्स को मेंशन करने से पहले दोस्तों कुछ अहम बुनियादी बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये नॉलेज और ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टिंग द चेंजेस ड्यूरिंग कोविड-19। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये तब्दीली हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। आप इंसानी तारीख उठा के देख लें, आप इस वर्ल्ड की हिस्ट्री उठा करके देख लें, तो आपको पता चलेगा कि एक कॉन्टीन्यूअल प्रोसेस है, एक कॉन्टीन्यूड डेवलपमेंट है, एक कॉन्टीन्यूड इवोल्यूशन है, ताकि पुरानी चीज़ें ख़त्म हों और नई चीज़ें आएँ, और जब नई चीज़ें आती हैं तो उसके अंदर नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद होती हैं। नंबर टू, चेंज इस बात को डिफाइन करता है कि हम ज़िंदगी में क्या बनते हैं और किस हद तक आगे जाते हैं। अगर हर चीज़ एक पैटर्न पे बाकी रहे तो हम वो कभी नहीं बन सकते जो हम बनना चाहते हैं। एंड पॉइंट नंबर थ्री, चेंजेस को एक्सेप्ट ना कर पाना
ये एक तरह का डर है दोस्तों, और डर से लड़ने का एकमात्र फंडा है कि उसका मुकाबला किया जाए। यानी कि जिस चीज से आपको डर है, भागना उसका हल नहीं है, क्योंकि अगर आप भागेंगे तो आपको कंफर्ट जोन में ले जाएगी, और कंफर्ट जोन वो जगह है जहां पर आपकी तरक्की स्टॉप हो जाती है और वहां पर आपके ग्रो करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नंबर 4, शुरू में किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के प्रोसेस में दोस्तों हमें लगता है कि हम किसी चीज़ को खो देंगे या खो रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने पास्ट पर नज़र डालें तो आप रियलाइज़ करेंगे कि वो तब्दीलियां जो आपकी ज़िंदगी में हुई है ये होना ज़रूरी थी, और क्योंकि अगर ये तब्दीलियां ना हुई होती तो वो आप कभी नहीं बन पाते जो आज हैं। अब दोस्तों वो टिप्स आपसे शेयर करने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा, ये इस वीडियो का सबसे अहम पार्ट है। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आई बिलीव कि ये चेंजेस को एक्सेप्ट करने में बहुत हेल्पफुल होगा। सो पॉइंट नंबर 1 कि सराउंड योरसेल्फ विद द पीपल हु हैव पॉजिटिव आउटलुक, यानी ऐसे लोगों के साथ रहें जिनका नज़रिया दुनिया को देखने का मुस्बत है, यानी पॉजिटिव है। ऐसे लोगों के साथ उठें बैठें, ऐसे लोगों के साथ गपशप करें, और उन लोगों से कतई दूर रहें जो मनफी बातें और नेगेटिव बातें करते हैं, क्योंकि आपकी रही सही एनर्जी भी ये सक कर लेंगे। नंबर 2, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, यानी शुक्रगुजार हों उन चीज़ों पर, उन नेमतों पर जो आपकी ज़िंदगी में है। और शुक्रगुजार होने के लिए दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी बड़ी चीज़ें हों तब आप शुक्रगुजार होंगे, आप छोटी छोटी चीज़ों पर भी शुक्रगुजार रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप जिंदा हैं तो क्या ये कम बड़ी नेमत नहीं है? आपके घर वाले जिंदा हैं, आपके रिश्तेदार जिंदा हैं, आपके दोस्त अहबाब जिंदा हैं। बड़े बड़े लोगों के कमेंट्स थे दोस्तों कि 2020 के अंदर अगर आप जिंदा बच जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपने तरक्की की है। तो आप जिंदा रहने पर कम से कम शुक्रगुजार हो सकते हैं। आप मिसाल के तौर पर इस बात पे भी शुक्रगुजार हो सकते हैं कि एक दोस्त के साथ आपने वक्त गुजारा, उसके साथ बैठ करके चाय कॉफ़ी पी, आप इतनी छोटी सी बात पर भी शुक्रगुजार रह सकते हैं। और दोस्तों याद रहे कि ग्रेटिट्यूड ये एक ऐसा फिक्स्ड रूल है कि अगर आप इसके इम्पोर्टेंस को जानकर अपनी ज़िंदगी का एक अहम पार्ट बना लें तो जो बंद राहे हैं, जो ब्लॉक्ड रास्ते हैं, वो ऑटोमेटिक खुलने शुरू हो जाएंगे। ज़रा आप तजर्बा करके तो देखिए। पॉइंट नंबर 3, पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी इस मामले में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है दोस्तों, कि हर हफ्ते आप अपने बारे में 2 ऐसी चीज़ें लिखें जो आप अपने बारे में पसंद करते हैं। महीने के आखिर में आपके पास एक लिस्ट हो जाएगी जिसमें वो चीज़ें होंगी कि जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपके खुद की वैल्यू आपके नज़र में बढ़ेगी। और आप यकीन रखिए कि आप जितना ही बेहतर अपने बारे में फील करेंगे दोस्तों, उतने ही आप कैपेबल होंगे डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करने में और उसका मुकाबला करने में। नंबर 4 कि मैनेज योर स्ट्रेस बाय एंगेजिंग इन स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटीज़, यानी अपने आप को जहनी तनाव से मुक्त करने के लिए आप वो एक्टिविटीज़ करें जो इस मामले में हेल्पफुल है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए 2 चीज़ें कर सकते हैं दोस्तों, एक तो एक्सरसाइज कर सकते हैं और दूसरे मेडिटेशन। मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो तरीका पसंद हो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इबादत का तरीका भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। मेडिटेशन का मतलब है कि आप कम से कम 10 मिनट तन्हाई में गुजारें, बिल्कुल माइंडफुलनेस के साथ, बिल्कुल अवेयरनेस के साथ और टोटल कंसंट्रेशन के साथ। अब जैसा कि मैंने बताया कि मेडिटेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं दोस्तों, मैं एक मेथड रिकमेंड करूँगा जो ऑस्ट्रेलियन मेड माइंडफुलनेस ऐप के नाम से है। आप उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं,
ये सभी उम्र के लोगों के लिए हेल्पफुल है और बहुत शानदार मेडिटेशन है दोस्तों। और याद रहे दोस्तों कि ये मेडिटेशन का जो तरीका है ना, ये माइंड को क्लियर करने का सबसे इफेक्टिव और सबसे पावरफुल तरीका है। एंड लास्ट, स्टे बिजी, कि आप अपने आप को मशगूल रखें। कोई चीज़ प्रोड्यूस करना, कोई सोशल इंगेजमेंट, क्योंकि आपकी ये मशगूलियत दोस्तों आपको स्ट्रेस से डिस्ट्रैक्ट करेगी और आपको फ्यूचर के लिए पॉजिटिवली चेंज करेगी। लिहाजा आप इन 5 पॉइंट्स के ऊपर अमल करें और देखिएगा कि आप इन चेंजेस को एक्सेप्ट करने में बेटर फील करेंगे और इसको पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगे। होप कि ये वीडियो हेल्पफुल होगा दोस्तों, और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।